नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। यूपी में सियासत पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, सियासी पार्टियां लगातार अपने पत्ते खोलते जा रही हैं। सभी पार्टियों ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। 2022 का रण जीतने के लिए जहां इस बार पार्टियों ने जातीय समीकरण पर ध्यान दिया है, तो वहीं काम न करने वालों को पार्टी ने किनारे भी बिठा दिया है। इसमें सबसे आगे बीजेपी, जिसने 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में 20 मौजूदा विधायकों को 22 की रेस से बाहर कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन भले ही कर लिया है, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान करने में अखिलेश काफी पीछे चल रहे हैं। अब तक एसपी आरएलडी गठबंधन ने महज 36 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ही किया है। ऐसे में आपको बता दें, पार्टियां वोटिंग से पहले ही एक दूसरे को शह और मात देने में जुट गई हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो डील नो डील के बीच फंसे हुए हैं, तो डील और नो डील के बीच अभी भी नेता फंसे हुए हैं। रैलियों पर रोक लग चुकी है, जनता तक पहुंचने की होड़ लगातार जारी है। रैलियों पर अब रोक लगा दी गई है, मैदान में प्रत्याशी हैं, जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। लगातार आपको बता रहे हैं, शेयर और मात का खेल पहले ही शुरू हो चुका है। डील और नो डील को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। डील और नो डील को के चक्कर में नेता अभी भी आ रहे हैं। बागियों को अखिलेश की ना क्यों है, रैलियों पर रोक, जनता पहुंचने की होड़ लगातार लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है और ये चुनाव कोरोना के साथ होना है, इसलिए कोरोना का ध्यान भी रखना होगा। और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने चेतावनी दे दी है, अगर कहीं भी उल्लंघन किया गया तो आगे उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। रैलियों पर रोक है, जनता तक पहुंचने की होड़ भी लगातार सभी नेताओं की लगी हुई है। तो जिस तरह से मैदान में प्रत्याशी हैं, जुबानी जंग सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तेज हो चुकी है। हर जगह पूरे तंज किए जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं कि बाबा का टिकट पहले ही कट चुका है, यानी उनको टिकट काटकर घर भेजा गया है। तो ये इसका पलटवार योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया है, और उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि मेरा पूरा प्रदेश घर है और तुम्हारा क्या होगा बबुआ। तो जुबानी जंग जो तेज हुई है, उससे यह समझ में आ रहा है। आज की इस बड़ी बहस में हम इस पर ही चर्चा करेंगे, किस तरह से जो जुबानी जंग है तेज हो चुकी है, बागियों को अखिलेश की ना क्यों है, और पाला बदलने की फिराक में दिग्गज लगातार हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई के टिकट काट दिए हैं और उन्हें अलग कर दिया है। तो यही वजह है जो भगदड़ भी लगातार मची हुई है। आज इसी पर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे, और डील और नो डील के चक्कर में नेता लगातार कयास लगा रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। रैलियों पर रोक है, जनता तक पहुंचने की होड़ भी लगातार जारी है। मैदानी जंग तो नहीं हो पा रहे, लेकिन जुबानी जंग लगातार जारी है। जुबान से जो तीर छोड़े जा रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी वोटों को साधा जाए, और इसीलिए लगातार ये जुबानी जंग जो है अब तेज हो चुकी है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कोरोना को देखते हुए कहा गया है कि मैदानी जंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी, वजह उसकी है कि कोरोना की वजह से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, इसलिए चुनावी जंग को अब जो है आपको बता दें, जुबानी जंग की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, और रैलियों पर रोक है, जनता तक पहुंचने की होड़ जो है वो सभी नेताओं में बरकरार है। सभी नेता अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच जुबानी जंग में एक दूसरे पर तंज भी शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया गया है, उसको लेकर अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये तंज कर दिया है कि बाबा को पहले ही घर भेजा जा गया है, यानी अब उनको घर भेज दिया गया है। तो उसको लेकर अब बाबा योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है, पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि अब इसको लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मेरा पूरा घर है और मैं वापस नहीं गया हूं, बल्कि बबुआ आपका क्या होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। चर्चा में सबसे पहले परिचय करा देते हैं और बड़ी बहस के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय जरूरी है। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। फखरुल हसन चांद प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इंडिया न्यूज पर आपका भी स्वागत है। मनोज मिश्रा हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, और चर्चा की शुरुआत आज बड़ी बहस में इसी से करेंगे, क्योंकि लगातार जो चुनावी जंग है
वो अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है और जुबानी जंग लगातार जारी है, शे और मात का खेल लगातार जारी है, सियासत लगातार अब अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं और ये सभी पार्टियां पूरी तरह से वोटों को साधने के लिए जुट चुकी हैं। तो सबसे पहले राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट दे दिया गया है, मुख्यमंत्री को गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया है, अब राधा मोहन दास का क्या होगा सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, उसमें जो जिला स्तर से भी एक व्यवस्था है, जो प्रदेश में टिकट जाते हैं नाम, प्रदेश में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इसी प्रकार से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें व्यापक रूप से चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उसी के तहत कोई भी हो, चाहे इतना कद्दावर नेता हो चाहे छोटे से छोटे, उसमें चर्चा की जाती है और जो उचित प्रत्याशी जिस क्षेत्र के लिए होता है उसको उतार दिया जाता है। हमारे यहाँ किंतु परंतु लेकिन इस तरीके की कोई मथुरा कोई मथुरा और अयोध्या की चर्चा लगातार जारी थी, मथुरा और अयोध्या की चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा और अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल स्टैंड बदल दिया गया है। गोरखपुर का गढ़ इसलिए टिकट मिला है, गोरखपुर में उनका गढ़ है, या भगदड़ से ये सिलसिला बदल चुका है? जी नहीं नहीं भगदड़ का कोई विषय नहीं है, हर चुनाव से पहले ऐसा थोड़ा बहुत तो हलचल आती है राजनीति के क्षेत्र में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए आप ये सही कह रहे हैं, कयास लगाए जा रहे थे हमारे मीडिया जगत में, हमारे पत्रकार बंधु इस तरीके का कयास लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आकर कह रहे थे, कई लोग पत्र लिख रहे थे। नहीं नहीं देखिए जो जिम्मेदार लोग भारतीय जनता पार्टी के थे उनमें किसी का बयान ऐसा नहीं आया था कि अमुक व्यक्ति वहां से लड़ेगा। जिम्मेदार का मतलब है प्रदेश अध्यक्ष या कोई गंभीर जो प्रवक्ता या पैनलिस्ट, कोई इस तरीके ना किसी टीवी में चैनल में चर्चा हुई, ना किसी अखबार में किसी प्रवक्ता ने दिया, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, यही अधिकृत व्यक्ति होते हैं नाम के लिए। और अगर कोई मीडिया में कोई व्यक्ति कहता है या कि हमारे पत्रकार बंधु कहते हैं, जैसे मात्र कयास लगाना ही कहा जाएगा। अब मेरी बात हैदर जी, अयोध्या वाला विषय बहुत बड़ा विषय था जी, 500 साल पहले इसको गिराया गया था मंदिर को, औरंगजेब ने इसको गिराया था, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के झोले में है। तो हमारे पत्रकार बंधु कयास लगा रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ इस सीट से लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों की ऐसी व्यवस्था हैदर जी होती नहीं है, ठीक है, एक निश्चित रूप से निश्चित व्यवस्था है, उसी के तहत हर व्यक्ति हर क्षेत्र में जहां जाना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको भेजता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अब उनको वहां भेज दिया है ताकि सेफ सीट है, कहीं कोई दिक्कत ना आए इसलिए भेज दिया है। फखरुल हसन चांद मैं आपके पास आना चाहूंगा, ठीक है, फखरुल हसन चांद जी, जिस तरह से लगातार अब समाजवादी पार्टी खुश नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मच रही है उन सबको आप ही अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपका ही खेल चल रहा है और अब वादे भी किए जा रहे होंगे ये, या कुछ ऐसा भी गोली दी जा रही है जिसको लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, सबको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, सबको बड़ी जिम्मेदारी सौंप देंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो तय करती है कि टिकट कौन कहां से लड़ेगा। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी, हैदर जी आपने भी देखा था किस तरीके से डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे, जब अयोध्या से बात आई कि योगी जी लड़ेंगे, जब प्रयागराज की बात आई, जब मथुरा की बात आई, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, आपका क्या होगा बबुआ? नहीं नहीं ये तो योगी जी का बयान है, आप क्या कहेंगे जब आपको आपको कहीं अयोध्या से टिकट नहीं मिलेगा, आपको नहीं लड़ने को मिलेगा तो आपके पास क्या बचता है, यही बोल सकते हैं आप, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से गरीबों की दलितों की किसानों की जमीनों को हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए संगठनों के ने किया वहां पे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार फखरुल हसन चांद अत्याचार हुआ। फखरुल हसन चांद अपना भी तो बता दीजिए, अब जो पार्टी के जब कोई आपकी पार्टी के या किसी पार्टी के नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तब तो आप सवाल उठाते हैं, जब उनके यहाँ से छोड़कर आ रहे हैं तो आप उनका स्वागत कर रहे हैं। हैदर जी मेरी बहुत आपत्ति है, आप बात पूरी नहीं होने देते हैं, हम आप जो भी सवाल करें हम उसका जवाब दें। सर सर घूम कर जा रहे हैं ना आप, सीधा सीधा आ जाइए, सीधा सीधा स्पष्ट जवाब दीजिए ना सर। हम भागेंगे थोड़ी, अरे आपके भी तो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी, हम भी बीच में चिल्ला सकते थे, हम भी बीच में चिल्ला सकते थे, ठीक है। राघवेंद्र जी मुझे बात करने दीजिए, ठीक है। फखरुल हसन चांद आप घुमा के इधर उधर क्यों जाते हैं, इसीलिए मैं इंटरप्ट करता हूँ, आप इंटरप्ट करने का मौका मत दीजिए ना, बात का जवाब दीजिए सीधा। अयोध्या का इतिहास बताया तब तो आपने नहीं रोका था इधर जी,
चलिए आप अपना सवाल कर लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपकी। कम से कम यहां यहां ये सवाल खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, क्या डर रहे हैं वो? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कहीं से भी लड़ाएगी पार्टी, हम लड़ेंगे। हैदर जी योगी आदित्यनाथ जी किस सदन के सदस्य हैं आप जानते हैं, उनके पास क्या बचता है, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं आजमगढ़ से। जब और दूसरी बात, ये पार्टी तय कर लेगी, अगर उनको अभी बहुत समय नहीं हुआ है, अगर उनको कहीं से चुनाव लड़ना होगा तो लड़ लेंगे। सांसद हैं तो लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के जो दावे किए जा रहे हैं उसकी उसके बारे में नहीं सोच रहे। कौन सा विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे हैदर जी? योगी जी कौन सा विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री बनने? अब तो लड़ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़ रहे हैं ना, इससे पहले कौन सा विधानसभा? विधान परिषद के सदस्य तो बने थे ना, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अखिलेश यादव जी भी थे। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। वो चुनाव जीतने के बाद 2010 मार्च को क्या सांसद होना भी जरूरी है क्या? हैदर जी ये कौन सी जिद है कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, ये कौन सी जिद है बताइए आप? बताना चाहते हैं ना वो, कहीं से भी टिकट दिया जाएगा लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, ये वो कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते ये बात? कौन कह रहे हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? नहीं बिल्कुल है। या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? शिवपाल यादव को बना देंगे क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा होने के लिए क्या विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? ये क्या कोई नियम है क्या? फिर क्या नियम है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना, मुख्यमंत्री का अगर चेहरा आप हैं तब तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब तो योगी जी चुनाव भी नहीं लड़े थे 2017 के चुनाव में, और वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं थे उत्तर प्रदेश में। और फिर विधान परिषद की सीट किस तरीके से कैसे जीती है, कौन सी सीटें खाली हुई थी, कौन सी सीट पे मुख्यमंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य से कुछ कर लिया क्या, बातचीत हो गई है क्या? किससे? स्वामी प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत हो गई है क्या? देखिए उप मुख्यमंत्री का कोई पद संविधान में नहीं है, संविधान में कहीं उप मुख्यमंत्री के पद की कोई, मैं नहीं समझता कहीं पे लिखा हुआ है। जो एक कैबिनेट मंत्री का पद होता है वही उप मुख्यमंत्री का पद होता है। इन्हीं ने दो बनाए थे, हम चार बना देंगे, अगर ये चार बनाने के लिए कहेंगे हम आठ बना देंगे, और ये आठ के लिए कहेंगे हम 12 बना देंगे। यहाँ ये कोई बहुत बड़ा, इसलिए स्वागत कर रहे हैं, इसलिए स्वागत कर रहे हैं क्या सबका? बिल्कुल स्वागत करेंगे। जब पिछड़ों का गरीबों का आरक्षण खाने वाली फखरुल हसन चांद, अब इसी सवाल का जवाब दीजिए फखरुल हसन चांद, अब कितने बनाएंगे यहाँ क्लियर कर दीजिए। ओपी राजभर को बनवाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, कितने लोगों को बनवाएंगे? जयंत चौधरी को बनाएंगे, किस किस को बनाएंगे क्लियर कर दीजिए। अगर आठ भी मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे तो हम आठ भी बनाएंगे, 12 भी बनाने पड़ेंगे तो 12 भी बनाएंगे। ये हम इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई बहस का विषय नहीं है, क्योंकि ये कोई कहीं संविधान में नहीं है कि मुख्यमंत्री का कहीं 10 भी बनाने पड़े तो आप बना देंगे, वही टैबलेट इनको दे रहे हैं आप सबको। ठीक है मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो टैबलेट दी, मनोज मिश्रा जी उसे टैबलेट समझते, ठीक है। फखरुल हसन चांद अब शांत हो जाइए। जो दिनेश शर्मा, फखरुल हसन चांद मैं आऊंगा आपके पास, फखरुल हसन चांद अब मैं आऊंगा आपके पास। मनोज मिश्रा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, लगातार शे और मात का खेल चल रहा है, सियासत पूरे अपने चरम पर है, और इस वक्त पूरी तरीके से हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इधर विधायक आ जाएं, हमारी तरफ आ जाएं, टिकटों को किसी भी तरह से हम कहीं ना कहीं काट लें और अपने समीकरण बिठा लें और अपने आप को जिता लें। बस इसी लगन के साथ हर पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे कुछ भी हो बस जीत की तरफ बढ़ें। क्या देख रहे हैं? मनोज मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनोज मिश्रा जी से हम दोबारा प्रयास करेंगे जुड़ने का। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। आवाज आ रही है मनोज मिश्रा जी? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। सवाल यह है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरीके से चरम पर हैं और वोटों को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे किसी का विधायक आए, चाहे किसी का टूट जाए, बस हमारा जो है हिसाब हो जाए और हम किसी तरह से सरकार बना ले। ये समाजवादी भी देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, सभी पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई हैं और लगे रहना भी चाहिए। कैसे देख रहे हैं मनोज मिश्रा जी? हैदर साहब, एक्चुअली मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। दरअसल 2014 के बाद देश के राजनीति बदली और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रजट भवन मिला 325 तक जी। लेकिन चूंकि आया राम और गया राम
उत्तर प्रदेश में बिहार में ज्यादा चलता रहा है 2002 से 2007, 2012, 2017 और 2022 जो विधायक या जो पार्टी या जो जातिगत नेता जो अपने आप को मानते हैं कि वो जहां जाएंगे जाति कोर्ट वहीं जाएगा, लगभग सबसे ज्यादा देखिए हम लोग हमेशा जिक्र किया करते थे ये चौधरी अजीत, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह या रामविलास पासवान को पता होता था कि सरकार किसकी आनी और आने से पहले पारा बदल देते थे। उत्तर प्रदेश में जो मैं सीधी बात करूं सांसद महोदय को ले लूं या जो लोग दल बदल कर रहे हैं, अगर साहब बड़ी बड़ा बड़ा विचित्र मामला है कि एक पार्टी का संविधान होता है, पार्टी का मुखपत्र होता है, पार्टी का घोपड़ा पत्र होता है, लेकिन 5 साल तक सरकार सत्ता में रहने के बाद टिकट वितरण के समय ही या उससे पहले लोगों को उस पार्टी में कमियां दिखती हैं और आने वाली पार्टी जाने वाली पार्टियां अच्छाई दिखने लगती है। तो अभी आया राम गया राम सभी पार्टी में चलेगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो लोग जाते रहेंगे और छोड़ने वाली पार्टी की कमियां बताएंगे, आने वाली पार्टी की तारीफ का पुलवा देंगे। रही बात 12 मुख्यमंत्री बनाने की बात है, 8 बनाने बनाइए, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने से पहले आपका उपमुख्यमंत्री बनाने से पहले आपको पूर्ण बहुमत आना जरूरी है और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब इस पर चर्चा होगी कि कैबिनेट मंत्री कौन होगा और उपमुख्यमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये जब सरकार आएगी तभी पता चलेगा और तभी बना पाएंगे। 8 बना लो या 10, लेकिन बनाओगे तब जब आपकी सरकार बना पाएंगे आप। लेकिन अभी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और सभी पार्टियों को हक भी है कयास लगाने का और जीतने का दावा करने की भी जो हक है वो है। राघवेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, तीखा सवाल जरूर है मेरा, लेकिन ये सवाल है आपसे क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है पहले तक चलता रहेगा जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये कहा जा रहा था कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये आप भले ही कह रहे हो कि कयास है, लेकिन ये पूरी उम्मीदें थी अयोध्या की जनता को। और मथुरा से भी कहा जा रहा था कि मथुरा वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अयोध्या का मंदिर की बात क्लियर हो गई है, अब मथुरा की बात थी कि वृंदावन को भी सवारा जाएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जिस तरीके से सवारा गया उसके बाद मथुरा की आवाज भी उठ रही थी और अब ये कहा जा रहा था कि अब वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गोरखपुर ही क्यों? क्योंकि अब राधा मोहन दास अग्रवाल यहां उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी विरोध कर सकते हैं, वो भी भगदड़ में शामिल हो सकते हैं और कई सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, क्या सेफ सीट है, क्या मठ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मठ की तरफ से सहमति गोरख योगी आदित्यनाथ जी के लिए दे दी गई है, क्या क्या खिचड़ी पकी जो उनको वहीं से दे दिया, पूरी सुरक्षित सीट है क्या, जीत के दे देंगे बिल्कुल इसलिए? नहीं नहीं हैदर जी, ऐसा हमारे पत्रकार मित्र जो है वो कयास लगा रहे हैं, ना हमारे पार्टी के किसी अधिकृत व्यक्ति का ये बयान है, ना ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसी कोई आशाएं की गई थी। हमारे यहाँ जो एक तरीका है कोई समाजवादी पार्टी बसपा या कांग्रेस की तरीके से हमारी प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है, कोई एक व्यक्ति तय कर दे उसको करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, वो आप भी जानते हैं हैदर जी, आप भी पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हैं कि जो जिले से लेकर के केंद्र तक ऐसी चर्चा होती है उसके माध्यम से जो नाम छन के आता है, जो उचित कैंडिडेचर होता है उचित सीट पर उसको लड़ाया जाता है। देखिए हमारे हम लोग देखिए अयोध्या में भी लड़ाएंगे, मथुरा में भी लड़ाएंगे, काशी में भी लड़ाएंगे, चित्रकूट में भी लड़ाएंगे, निमसारण में भी लगाएंगे और तीर्थ क्षेत्रों का मन भर के विकास भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को टिकट दी है वो जरूर चिंता का विषय है। कैरना सीट से समाज और आलोक गठबंधन का इन्होंने नाहिद हसन को एक टिकट दिया है जो एक स्थापित अपराधी और गैंगस्टर है, 2018 में उस पर धोखाधड़ी का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसी प्रकार से सपा रालोद हाजी यूनुस को एक टिकट दिया है, ये भी 2017 की अपराधी है, ठीक है सर, इस मुकदमे दर्ज है। सर मुद्दे पर आते हैं, मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। 61% ओबीसी वोट आपको 2017 में मिला था लेकिन इस बार ओबीसी कट रहा है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या उनके साथ और भी विधायक हैं उनके जाने के बाद ये वोट जो चला जाएगा उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं नहीं देखिए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य है या कोई है ये हमें नहीं लग रहा है माननीय कल्याण सिंह से ज्यादा ताकतवर है। उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों के एक छत्र नेता माननीय कल्याण सिंह जी थे जिनका पूरे प्रदेश में बराबर का प्रभाव था। अब तो वो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है ना सर, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, अब वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब वो है ही नहीं तो अब इस वक्त।
नहीं नहीं उनका परिवार है, नहीं बात हो जाने दीजिए, हमें लग रहा पूरी बात पहुंच जाएगी। ये लोग जो नाम आप बता रहे हैं ये या तो खुद की सीट सुरक्षित कर सकते हैं या एक दो सीटें और प्रभावित कर सकते हैं। ये लोग पूरे प्रदेश में एक क्षेत्र इनका जो प्रभाव है हमें नहीं लगता है ऐसा है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में हर जिले में ऐसे ऐसे नेता हैं, हर जाति या समाज से नेता हैं, इसमें डैमेज तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस प्रकार की भगदड़ लगातार होती रहती है। आप ध्यान दीजिए हैदर जी, कोई भी अगर जिनका विरोध भारी ना पड़ जाए सर, जिसे आप डैमेज नहीं मान रहे, ये जो विरोध किया जा रहा है 5 से 7, 7 से 14, ये जो बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े, ये भारी ना पड़ जाए कि भारतीय जनता पार्टी को? नहीं नहीं हैदर जी, बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं, इस प्रकार का कोई भी घटना होने वाली नहीं है। पत्रकार मित्र इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो आश्वस्त तो सभी होते हैं सर, लेकिन ये जब रिजल्ट आता है ना तब पता चलता है कि क्या कमी रह गई, कहां दिक्कत रह गई। और ये उस वक्त याद आता है कि किसी एंकर ने भी कहा था कि जो ये जो स्थिति है अगर इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो महंगा पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारी जो बहुमत की सरकार बनने जा रही है 10 तारीख को देखा जाएगा। 10 तारीख को आप लोग अभी जो आंकड़ा है वो अभी 350 का जो आंकड़ा आप सोच रहे थे वो बरकरार है? निश्चित रूप से उससे बढ़ के सीटें आ रही हैं। ठीक है ठीक है, फखरुल हसन चांद मैं आपके पास आना चाहूंगा और लगातार ये सवाल मेरा है आपसे। चंद्रशेखर आजाद लगातार अखिलेश यादव के कांटेक्ट में थे और मुलाकात भी कर रहे थे, लेकिन अब उनका बयान आ जाता है कि अखिलेश यादव दलितों के विरोधी हैं और दलितों के खिलाफ हैं, ऐसा क्यों, उनसे पैचअप नहीं बन पाया? देखिए हैदर जी, जब कहीं गठबंधन पे बैठ के बातचीत होती है तो कभी कभी चीजें आप जैसा चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती है। लेकिन चंद्रशेखर जी से जो गठबंधन की बात है वो अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। उनका बयान आ गया सर, चंद्रशेखर आजाद का बयान सुना है आपने? ठीक है, नहीं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना है? क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके? प्रेस में कहा कि अभी बातचीत खत्म पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। वो 4 सीटें चाह रहे थे, हम उनको 2 सीटें दे रहे थे और हम समझते हैं कि आने वाले समय में। फखरुल हसन चांद, आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट के बाद भी उन्होंने तो दलितों के विरोधी होने का आरोप लगा दिया अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर। नहीं नहीं हैदर जी ये सुबह का उनका बयान है, 10 बजे का बयान चंद्रशेखर जी का है और 12:30 बजे का बयान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में कहीं संभावनाएं समाप्त नहीं होती है। हम आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इमरान मसूद भी पहुंचे थे, उनको भी अभी तक पार्टी में शामिल नहीं किया गया, क्या कोई डर सता रहा है क्या? देखिए टिकट के लिए जब कोई पार्टी में आएगा तो हम देख लेंगे कि वहां से कोई जीत सकता है नहीं जीत सकता या समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी वहां पे है, सब चीजें देखने के बाद ही हम टिकट वहां कहीं से दे सकते हैं। कोई भी आ जाए और हम अपने लोगों का टिकट काट दे, ये इतना आसान नहीं होता है। जितने ये बीजेपी छोड़ के इनको किसी को टिकट नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल देंगे, सबको सबका हाथ थाम लिया बिना किसी शर्त के, गले लगा लिया और वादे भी कर दिए कि आप मुझको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। नहीं तो फिर इमरान मसूद में कौन से काटे? देखिए हैदर जी ऐसा है ना कि पिछड़ों के बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और वो जब वो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी ये पहचान आपको पता होगी, उनकी ये पहचान स्वामी प्रसाद मौर्य की ये पता होगी आपको कि हमेशा वो दल बदलू भी रहे, किसी एक पार्टी में कभी टिक कर नहीं रहे वो। कोई बात नहीं, तो आपके लिए आपके यहाँ भी सत्ता की वजह से तो नहीं आ रहे? नहीं कोई बात नहीं, जहां दाल नहीं गलती वहां से छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां आपके यहाँ दाल नहीं गलेगी तो कल कहीं और चले जाएंगे। धन्यवाद हैदर जी, कम से कम आप जैसे सम्मानित पत्रकार ने इस बात को तो स्वीकारा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, कोई समस्या नहीं है, वो लोग आए हैं। मैंने जो भी लोग मैंने कहा स्वीकार कर लिया सर हैदर जी, इसलिए धन्यवाद आपका। लेकिन जो लोग आ रहे हैं समाजवादी आपके अकॉर्डिंग आप खुश हैं सर, किसकी आ रही है किसकी नहीं आएगी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आप बताएंगे ना या जनता बताएगी? हैदर जी बिल्कुल जनता बताएगी, और जनता से पहले हम समझते हैं कि आप जैसे पत्रकार वो थर्मामीटर लगा के जनता की नब्ज को समझ लेते हैं कि जनता में कितना बुखार है, किस सरकार की तरफ कहां वो गर्मी जा रही है। चलिए खुश होने में कोई दिक्कत नहीं है सर, सब खुश फहमी में तो रह ही सकते हैं, कोई भी रह सकता है, और ये 10 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वास्तविकता है।
हाँ कोई दिक्कत नहीं आयदर जी, हम लोग भी 10 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस किसान विरोधी कांग्रेस भी दावे कर रही है, बहुजन समाज पार्टी दावे कर रही है सरकार हम बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सत्ता रिपीट कर रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। अब ये तो 10 तारीख को ही फाइनल होगा ना सर, कौन सरकार बना पाएगा कौन नहीं बना पाएगा ये मुद्दा नहीं है। अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या हवा बह रही है, क्या वाकई आप जो दावे कर रहे हैं उनमें दम है कि नहीं है, या फिर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आ रहे हैं उनको तो गले लगा रहे हैं, कांग्रेस जो छोड़कर आ रहा है उसको गले नहीं लगा रहे, आखिर क्या वजह है सर? कांग्रेस के साथ भी बात चल रही है क्या? देखिए हैदर जी ऐसा है ना कि कांग्रेस छोड़ के जो लोग आ रहे हैं या दूसरे दलों से जो लोग आ रहे हैं, मैंने फिर कहा लोग अगर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर टिकट के लिए आ रहे हैं तो हम जो दूसरे हमारे दल में दूसरे तो जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर आए उनको टिकट नहीं देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं देंगे? नहीं, सबको टिकट कहां देंगे अगर जितनों को चुनाव लड़ाया जा सकता है उतनों को टिकट किस किस को देंगे? आपको सब पता है तो बता दीजिए फिर किस किस को देंगे, मैं नोट कर लेता हूं सर। नहीं नहीं हैदर जी, सब ये तो ये फैसला तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा। इतने दमखम के साथ सर कह रहे हैं आप कि उनको नहीं देंगे, उनको देंगे, उनको नहीं देंगे, तो आपको सब पता होगा ना सर, बता दीजिए फिर। नहीं हैदर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बता चुके हैं आपको कि किसको देना है किसको नहीं देना, तो वो भी क्लियर कर दीजिए। जहां तक सहारनपुर की बात है तो मुझको कुछ चीजें जो चीजें पता हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जो चीज जो सीट इमरान मसूद भी मांग रहे हैं वो हम देने में सक्षम नहीं, हम नहीं उस सीट को दे पा रहे हैं, तो वहां पे कुछ समस्या है। हम समझते हैं कि अगर वो दल में रहना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, इसीलिए अभी तक पार्टी में शामिल भी नहीं किया आपने उनको। चलिए ठीक है, मनोज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, जिस तरह से लगातार सभी पार्टी दावे कर रही है कि सरकार बना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबके ये दावे हैं कि वो 400 के पार हैं, 350 के पार हैं। क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अब किसानों के आंदोलन के बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये चुनाव किए जा रहे हैं? किसानों के आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है यहाँ जिस तरीके से किया जा रहा है, और अब लगातार कोरोना की भी स्थिति है, उसमें प्रचार नहीं हो पा रहा, लोगों से जुड़ा भी नहीं जा रहा, और ये होड़ लगी हुई है कि किस तरह से जनता के बीच जाए, और उस जनता के बीच जो वाकई सोशल मीडिया पर भी नहीं है, और अभी स्थिति यह है कि वो कहीं भी कुछ नहीं देख पा रही, तो कैसे उन तक पेट बनाई जाएगी, कैसे उन तक पहुंचा जाएगा, कैसे उनके वोटों का लाभ लिया जा सकेगा, क्या स्थिति आपको लग रही है? अगर सर दरअसल मैं बाकी पार्टी प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा क्योंकि विषय पर रहे और विषय पर सुने, और सुनने के बाद ही कुछ टिप्पणी दी तो अच्छा रहेगा। रही बात आपके सवाल की, तो हैदर साहब दरअसल क्या हुआ है कि दो ट्रायल 2017 और 2019 में है हुए हुए हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का पर कहीं न कहीं इन किसान आंदोलन का असर रहा है, लगभग 13 महीनों जो आंदोलन चला है, और उसमें भी मतभेद हुए हैं प्रधानमंत्री के बिल वापिस लेने के बाद या माफी मांगने के बाद। और चूंकि हम भारतवासी हैं, चीजों को जल्दी ही एडाप्ट भी करते हैं, जल्दी ही छोड़ने की आदत बीमारी बन चुकी है। मैंने जिक्र 2017-2019 इसलिए आपसे जी क्या कि मंडल कमंडल 90s के बाद उत्तर प्रदेश पलट, पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर जिक्र ना करें तो मायावती और मुलायम सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन अच्छा 325 का प्रदेश में और देश में दोबारा। ठीक है मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये देखना होगा। वाकई आप सत्यता की तरफ जा रहे हैं, और अब ये देखना होगा कि 2022 में यानी इस बार किसकी सरकार बनती है, सबसे महत्वपूर्ण होगा। दावे भले ही किए जा रहे हों लेकिन 10 मार्च ये क्लियर कर देगा कि वाकई कितना पानी में कौन है, कितने दमखम में कौन नजर आएगा, या फिर किस्मत के लिए फिर एक बार से कोशिश की जाएगी। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। राघवेंद्र जी, जिस तरह से लगातार अब किसानों का आंदोलन, कोरोना दूसरी तरफ, लगातार जनता से जुड़ने में भी दिक्कतें, परेशानियां जरूर आ रही हैं, 2017 की तरह आसान नजर नहीं आ रहा ये चुनाव, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का जो वो रहा है, विरोध रहा है, वो भी आपको झेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अंदरखाना विरोध अभी बरकरार है, उसको कैसे स्थिति कंट्रोल करेंगे? और आप देख रहे हैं भगदड़, भले ही आसानी आप मान रहे हो इसको, लेकिन आसान नहीं है आपके लिए इतना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार 2017 में बनी थी
जी, तो हम लोगों ने पहले दिन ही किसानों का 35,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं और जनता के हितों के लिए काम करते रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर अभी तक मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज इसमें 3 अंग्रेजों के समय के थे, उसके बाद 13 इधर के थे। आज की तारीख में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला करके 69 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुकी हैं। 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरीके से 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, 10 महानगरों में मेट्रो जिसमें 5 में संचालित हो रही है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वर्तमान में 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। राघवेंद्र जी, 1.5 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई गई है। राघवेंद्र जी, विकास और शोषण के एजेंट पे राघवेंद्र जी उपलब्धियां तो आप लगातार गिना रहे हैं और सर ये हर डिबेट में मैं चर्चा आप बताते हैं, हर डिबेट में इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अब चुनाव है सर, अब चुनाव है और अब तनाव भी है और इस तनाव का नुकसान भी हो सकता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या महंगाई हो या बिजली को लेकर विरोध हो, क्योंकि लगातार जो बिजली महंगी हुई है, अब ये दावे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से भी और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कि हम आने वाले समय में 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, हम लोगों ने इतना काम किया है सुशासन के एजेंडे पर, हम लोगों ने इतना काम किया है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता मुजफ्फरनगर कांड अभी भूली नहीं है, इससे 50 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई थी और 5,000 लोग बेघर हो गए थे। इसी प्रकार से जवाहर बाग कांड नहीं भूली अभी उत्तर प्रदेश की जनता, इसमें एक एसपीओ थानेदार सहित हत्या हो गई थी और 23 लोगों की और हत्याएं हुई थी और अभी भी रामवृक्ष यादव गायब है। इस सब का रिजल्ट जनता खुद दे देगी सर, आप मुझे बताइए आप किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जनता लगातार जनता वो सब बता देगी, जो स्थिति आप बता रहे हैं वो जनता बता देगी और वोट के जरिए इसको बता देगी, लेकिन ये जो स्थिति इस वक्त है, जो किसानों का आंदोलन हो या फिर जयंत चौधरी का गठबंधन हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सत्ता रिपीट भी नहीं हुई है कभी, यूपी का इतिहास है कि सत्ता रिपीट करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और ये मुश्किलें आप भी इनका सामना करेंगे। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ है और इतिहास बदलने के लिए पूरी तरीके से आतुर है। आप देखिएगा, इस जो अगला जो चुनाव जो विधानसभा हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सर्वे भी आ रहे हैं और जनता एकदम दीवानी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम लोगों ने विकास और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। ठीक है सर, हम लोगों ने काम किया पूरे 5 वर्ष। ठीक है, समाजवादी जी राघवेंद्र जी, ठीक है, जनता बताएगी किसने काम किए किसने नहीं। फखरुल हसन चांद, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार 2017 में भी आप लोग दावा कर रहे थे काम बोलता है, 2017 में आपने काम बुलाया था लेकिन काम बोला नहीं था आपका, इस बार क्या बोल रहा है? देखिए हैदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो दोबारा सत्ता मिलती नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी दूसरा सवाल भी था मेरा महत्वपूर्ण, काम बोलता था 2017 में, मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये नारा आपका सक्सेस हुआ नहीं था। मैं आ रहा हूँ हैदर जी, उसी पे आ रहा हूँ ना, फिर सत्ता हमें मिली नहीं 2017 में, जब हमने एक्सप्रेस वे भी बनाया, मेट्रो भी दी। ठीक है सर, योजनाओं की बात कर लेंगे, आचार संहिता लगी हुई है, योजनाओं की बात में कर लेंगे, काम बोल रहा था आपका लेकिन काम नहीं बोला था, मैं नारे की बात कर रहा हूँ, आप कौन सा नारा दे रहे हैं 2022 में, कौन सा नारा दे रहे हैं? फखरुल हसन चांद, 2022 में अब कोई नया नारा है या उसी नारे पे काम कर रहे हैं? योजनाएं गिना रही थी पूरे टाइम, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाएं गिना रही थी, आपने नहीं टोका उनको। 80 अरुण कमिश्नरेट थे कानपुर में, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए फखरुल हसन चांद। ये तो खैर अधिकारी हैं, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है कि किस तरीके से वो अब बीजेपी के सदस्य बन गए सर, अब अधिकारी नहीं रहे, अब बोल सकते हैं आप नहीं कैसे, मैं उसी पे कह रहा हूँ हैदर जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अधिकारी थे जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, ये उस तरीके के अधिकारी थे। अच्छा हुआ कि नौकरी छोड़ दी, कम से कम जनता को अब राहत मिलेगी। और ये सारे आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगे हैं।
देखिए जब कोई यादव अधिकारी सारे आपके संरक्षण में काम करते थे, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज तो यादव, किसी थाने का थाना इंचार्ज तो यादव, प्लेट निकाल के लगा देते थे यादव यादव, आपके लोग भी तो करते थे। और पसंदीदा आप पोस्टिंग देते थे। फखरुल हसन, स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं।